नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त, घरों से निकलने वाला कचरा बन गया खतरा, बैंक कर्मी बताकर 60,000 ठगे। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए 15 अप्रैल से 1 मई तक के लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस प्रशासन बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों से पूछताछ कर कार्रवाई करती दिखाई दी। नागपुर शहर में गुरुवार सुबह से ही नाकाबंदी कर पुलिस आने जाने वाले लोगों से बाहर घूमने का कारण जान रही थी और कारण उचित न होने पर बेवजह घूमने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती दिखाई दी। तो वहीं दूसरी ओर घरों से निकलने वाला कचरा बन गया खतरा। नागपुर शहर में 37,000 के करीब मरीज होम आइसोलेशन में है। बेड नहीं मिलने की वजह से कई मरीज घर पर ही इलाज करा रहे हैं, जबकि कईयों में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, पर उनके उपयोग किए हुए मास्क व जैव कचरे को अलग से संकलित करने की कोई व्यवस्था मनपा के पास नहीं है। लोग सामान्य कचरे में ही उसे मिलाकर फेंक रहे हैं। कचरा संकलन करने वाले कर्मचारियों के साथ ही बाकी के लिए खतरा बन गया है। होम आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को नहीं है। कई संक्रमित घर के बाहर घूम रहे हैं। कुल मिलाकर देखे तो होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर किसी की निगरानी नहीं है। कचरा संकलन वाहक में मास्क, उपयोग की हुई सीरीज आदि को फेंकने के लिए अलग से एक कंटेनर होना चाहिए, ताकि संबंधित कचरे का सही से निपटारा किया जा सके। तो वही तीसरी ओर बैंक कर्मी बताकर 60,000 ठगे। खुद को बैंक कर्मी बताकर एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए की ठगी की है। आरोपी रमेश तिहारू शाहू पांडुरंग नगर कलमना है। रमेश साहू और पीड़ित मनोहर निषाद पड़ोस में रहते है। साहू ने खुद को बैंक कर्मी बताते हुए 5 साल में निवेश राशि दोगुनी लौटाने का झांसा दिया। निषाद ने 2012 से 2014 के दौरान साहू को 60,000 रुपए दिए। उसने निशांत को एक पासबुक भी दे दी। इसके बाद बेटी की शादी तय होने पर निषाद ने साहू से पैसे लौटाने को कहा। साहू ने पासबुक फाड़कर काहे के पैसे दू बोलते हुए निषाद को धमकाया। कलमना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।